हेलो वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 9 नवंबर का इतिहास और कुछ प्रमुख जन्मदिन भी। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो करेंगे वो भी सेलिब्रेट, तो आइए तमाशा देखते हैं। 9 नवंबर सन 1739 ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन ने सेवाइल की संधि पर हस्ताक्षर कर 200 वर्षों से चले आ रहे युद्ध को समाप्त किया 9 नवंबर 1729 को। 9 नवंबर 1885 गोटलिया बेमलेर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की 9 नवंबर 1885 को। 9 नवंबर 1937 जापानी सेना ने चीन के शंघाई शहर पर कब्जा किया 9 नवंबर 1937 को। 9 नवंबर 1947 कश्मीर के बड़गांव में मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला। यह सम्मान उन्हें मरणोपरांत दिया गया 9 नवंबर 1947 को। 9 नवंबर 1953 कंबोडिया को फ्रांस से आज़ादी मिली यानी स्वतंत्र हुआ 9 नवंबर 1953 को। 9 नवंबर 1962 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया 9 नवंबर 1962 को। 9 नवंबर 1990 ब्रिटेन में मृत्यु दंड की सजा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई 9 नवंबर 1989 को। 9 नवंबर सन 2000 उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग राज्य के रूप में गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर सन 2001 भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया 9 नवंबर 2001 को। 9 नवंबर सन 2005 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट किया कि इराक में बहुराष्ट्रीय फौजें 2006 तक बनी रहेंगी 9 नवंबर 2005 को। अब जानते हैं 9 नवंबर के कुछ जन्मदिनों के बारे में। 9 नवंबर 1984 भारतीय अभिनेत्री पायल रोहतगी का जन्म हुआ। 1956 भारतीय अभिनेता पंकज धीर का भी जन्म हुआ। 1974 भारतीय अभिनेत्री अनुप्रभा बक्कर का भी जन्म हुआ और 1969 भारतीय गायक सुखवीर का भी जन्म हुआ। इन सबको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। आपके जीवन के लिए जो उचित और सर्वश्रेष्ठ हो भगवान जल्द से जल्द आपके जीवन में लाए। 9 नवंबर को जन्मे लोग राशि वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के होते हैं, बहुत आत्मनिर्भर होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और साथ में डोमिनेंट भी होते हैं। जरूरी नहीं आपकी राशि भी यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है। आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते अगर और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।